डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पुष्पेंद्र जी, मैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को आप राजनीतिक क्यों ना कहूं? आप लोगों ने तो कसम खाई थी कि आप राजनीति नहीं होने देंगे। देखिए रूपिका जी, जब कोई ऐसा जिसके सामने 100 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया है, 2.5-3 लाख किसान दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं और लगभग 250 से ज्यादा किसानों की वहां शहादत इस आंदोलन में हो गई है, 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, वार्ता नहीं हुई है और लोकतंत्र में कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हमारे वोटों के बलबूते पे जो 300 सीट इनको मिली है वो किसान मजदूर के बलबूते के बिना तो मिली नहीं, तो अब इनको लगता है कि हमें सीलबंद लिफाफे में 300 सीट दे दी गई है, अब हमें किसी की कोई सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, 2024 तक हम जो है कुछ किसी की बात सुनने वाले नहीं है। तो हमने ये सोचा कि ठीक है भाई, लोकतंत्र में अगला स्टेप हमारा यही हो सकता है कि हमारे मरने गिरने बैठने से इनको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, ना ये जो है उसमें कोई निर्णय लेने वाले हैं, वार्ता भी 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, यदि इनको एक ही भाषा समझ में आती है, चुनाव वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, चुनाव इनकी वोट घटाओ, इनकी सीट घटाओ, इनकी गद्दी छीनो। अब ये गद्दी छीनने से जो है इनको बिल्कुल इनकी आंख खुल रही है, अब ये कह रहे राजनीतिक हो गया, फलाना हो गया। अरे भैया लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र है, लोगों ने अपने आप को संविधान दिया, संविधान के तहत सरकार बनती है, सरकार यदि हमारे पक्ष में काम नहीं करेगी तो हमारा अधिकार है वोट प्रभावित करके उसकी नीतियां प्रभावित करना, हाँ। या फिर भी वो ना माने तो उनको हटा देना। कुल मिलाकर आपने स्टैंड बदल दिया है, अब आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों का साथ देंगे। कौन सी दूसरी राजनीतिक पार्टियां? ये हन्नान मौला की राजनीतिक पार्टी, योगेंद्र यादव की राजनीतिक पार्टी, या आज अतुल अंजान भी वहां पर मौजूद थे उनकी राजनीतिक पार्टी, या ममता बनर्जी, या फिर कांग्रेस? हमने केवल ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालनी है, बीजेपी के खिलाफ अपने का प्रयोग करें किसान भाई। इसके लिए हमने इन्हीं से सीखा है, जो श्री रामचंद्र जी जब 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे थे और वो रास्ता नहीं दिया था, तो उस विषय में 4 पंक्तियां, एक बड़ी अच्छी कविता रामधारी सिंह दिनकर की, 4 पंक्तियां आपकी आज्ञा से सुनाना चाहूंगा कि जब वो मांगते रहे और कोई जवाब नहीं आया समुद्र का, तो उसके बारे में लिखा है कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजता पूज दास्ता ग्रहण की बड़ा मूड बंधन में, सच पूछो तो सर की बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा त्याग को दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी के जब आप ताकत नहीं दिखाएंगे, लोकतंत्र में लोगों की ताकत होती है, वोटों की ताकत होती है, अब यहाँ कोई युद्ध थोड़ी लड़ा जाता तलवार से, अब जो गद्दी से बैठता है वोटों के माध्यम से बैठता है, यदि आपके खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाफ। नूपुर शर्मा जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं इनका घमंड तोड़ेंगे, ठीक है नूपुर जी? बिल्कुल रूबिका जी, को शायद यही कारण है कि आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी की ये टिप्पणी मीडिया में आई है। सुनिएगा, किसानों की समस्याओं को जो समाधान होना था वह राजनीतिक दलदल में फंस गया है, किसान नेता राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, ये किसान हित में नहीं है। राकेश टिकैत के पास पैसा है, उनका जहां मन है वो वहां जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, चंद्रमा पे भी जाए, हमें क्या लेना देना। मैं साफ कर दूं आपको, ये वही किसान आंदोलन है जो 18 जनवरी को तो संयुक्त किसान मोर्चा से चडूनी को बाहर निकालती है क्योंकि वो साठगांठ बना लेते हैं कुछ अन्य राजनीतिक दल के साथ। अक्टूबर 2020 से लेके जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 तक ये सब लड़ रहे हैं टीवी के ऊपर और सड़क के ऊपर के हमारा राजनीति इससे लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को जो यहाँ हुआ, जो देश विरोधी हरकतें यहाँ पे हुई, जिस तरीके से हमारे तिरंगे झंडे की बेइज्जती करी गई, उसको अपमानित किया गया, उसके बाद ये सारे के सारे लोग, 5 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया रूबिका जी, और फिर एकदम से साफ हो गया कि ये तो राकेश टिकैत इनका स्ट्रेट लीडर है,
राकेश टिकैत कौन? इनका अनडिस्प्यूटेड लीडर वो है जो 2014 में कांग्रेस और आरएलडी के कंबाइंड का कैंडिडेट था, जिनकी जमानत भी जब्त हुई थी। मैं साफ पूछना चाहती हूँ, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? क्योंकि बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें एक प्रदर्शन नहीं हुआ। ये जो प्रदर्शन पे बैठे थे, बंगाल प्रदेश में एक प्रदर्शन नहीं हुआ इन कृषि कानूनों के खिलाफ। और दूसरी बात मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये वो मुद्दा उठाएंगे जिसमें 70 लाख किसान भाइयों को करीबन 9,800 करोड़ की किसान सम्मान निधि से परे रखा है ममता बनर्जी की सरकार ने? दो सवाल आपके नूपुर, दो सवाल आपके हैं। मैं पहला सवाल, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत तो वो है जो आरएलडी प्लस कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार के तौर पर थे, रोहन गुप्ता, आप लोगों ने कोई स्क्रिप्ट तैयार की? देखिए, स्क्रिप्ट तैयार करना क्या काम बीजेपी के नेताओं का है, हमारा नहीं है। और आपने एक गाना शुरुआत में अपनी स्पीच में दिया था कि नाना करते प्यार, मैं उसका हकीकत वर्जन सुनाना चाहूँगा कि नाना करते प्यार सत्ता से कर बैठे, करना था किसान से प्यार उनका तिरस्कार कर बैठे। ये भाजपा की हकीकत है रूबिका जी, कितने दिनों से, 100 से ज़्यादा दिनों से किसान वहाँ पर बैठा हुआ है। ये सरकार की आँख नहीं खुले, सरकार के कान नहीं खुली, ये सरकार का अहंकार के कि हम जो करेंगे सही है और जो हमको जो सीट जनता ने दी है, हमारा जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हमको हमारी सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है, हमको किसानों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 60 करोड़ आबादी जिस व्यवसाय से जुड़ी है, अगर उसका तिरस्कार ये सरकार कर सकती है तो इसका अहंकार, इसका घमंड, इसका अभिमान कितना बड़ा है, पूरे देश के सामने है। अब ये लड़ाई किसान के स्वाभिमान और सरकार के अभिमान के बीच हो चुकी है। और किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि हमारी बात को सुने। पूरा देश जानता है कि मंडी पूरी खत्म हो रही है। आज भी रिपोर्ट आ रही है कि 60 मंडी का कारोबार खत्म हो चुका है। सरकार को यह चीज नहीं दिखती है। किसान परेशान है, सरकार अगर सुनेगी नहीं तो किसान करेगा क्या? और चुनाव का जो मामला है, भाजपा को एक ही चीज से असर होता है, चुनाव मैनेजमेंट। अगर गलती से एक चुनाव कहीं पे हार गए तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी। जब किसान अपने स्वाभिमान के लिए भाजपा के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो क्यों इनको मिर्ची लग रही है? आपने सब तरीके से उसको राष्ट्रद्रोही बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया, प्रताड़ना कर ली। इतने दिनों से 200 से ज्यादा किसान वहां पे मर चुके, क्या हुआ? आपने, आपका अहंकार नहीं टूटा? अगर आप में थोड़ी भी मानवता होती, थोड़ी भी इंसानियत होती, आप जाते इस इश्यू को रिजोल्व करते। पर नहीं, आपको मैसेज देना था कि अगर 60 करोड़ आबादी के साथ हम अहंकार से ऐसे लड़ सकते हैं तो देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि सत्ता के सामने आवाज उठा पाए। ये लड़ाई उस अहंकार के सामने है, उस अभिमान। अच्छा, भाई किसान भी तो वोटर है, मिर्ची क्यों लग रही है? जवाब दे दो। देखिए, हमारे को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। साफ सी बात तो ये जो देखिए उल्टा चोर कोटवाल को डांटे वाली बात हो गई। रूबिका जी, ये भूल जाते हैं, रोहन गुप्ता जी इनकी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनकी पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस के ज्वाइंट कन्वीनर है गुरसिमरन सिंह मन साहब। इनकी पार्टी के लुधियाने से सांसद है रविंदर सिंह बिट्टू। तीनों ने एक ही बात कही थी। अरे, किसानों की बात कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए। मैं किसान की बात कर रही हूँ, जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन आप, मेरा जवाब दीजिए। मैं रूबिका जी इनके बीच में नहीं बोली, मैं कृपया करके मुझे अपना जवाब देने दीजिए। क्या हो गया? आप इतने किसान मत, इनको एक्सपोज कर रही हूँ तो घबरा रहे हैं। ये जो 3 लोगों का मैंने नाम लिया है, बड़े दिग्गज नेता है, हमको कुछ घबराना नहीं है। अपनी कांग्रेस का नाम देती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।